में, स्पेशली फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम एंड टेक्निकल ऑफिसर्स एग्जाम। सो यहाँ पे चैप्टर टू हम कवर कर रहे हैं ऑफ FSSAI एक्ट। चैप्टर वन ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। सो चैप्टर टू में वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस टॉपिक इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स बिकॉज ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है। सो इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है आपकी ईजी एक्सप्लेनेशन में। सो फर्स्ट पार्ट आज रहेगा एंड सेकेंड पार्ट आई विल टेक टुमारो। सो यहाँ पे सेक्शन 16 जो कि लास्ट सेक्शन है चैप्टर टू का। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ द फूड अथॉरिटी। सो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज पे अटेंशन बिकॉज यहाँ पे फंक्शंस और ड्यूटीज हमें बताऊंगा मैं आप सबको कि फूड अथॉरिटी की क्या है। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ फूड अथॉरिटी। सो फर्स्ट पॉइंट, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द फूड अथॉरिटी टू रेगुलेट एंड मोनिटर। यहाँ पे सबसे पहले फूड अथॉरिटी का एक ही काम है, रेगुलेट करना और मोनिटर करना। क्या रेगुलेट और मोनिटर करना? मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट ऑफ फूड एज टू इंश्योर सेफ एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सो यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन है मोनिटर करना और रेगुलेट करना, राइट? क्या रेगुलेट करना? ये सब जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, किसी भी फूड को अगर मैन्युफैक्चर करता है कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर, या फिर उसकी प्रोसेसिंग करता है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चेन पूरा उसका, या फिर सेल, या फिर कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है, सो उसको मॉनिटर करना और रेगुलेट करना मीन्स उसके लिए गाइडलाइंस बनाना, ये फूड अथॉरिटी का सबसे मेजर वर्क है। सो गाइज प्लीज पे अटेंशन बिटवीन द लाइन्स। सो प्लीज डू रीड बिटवीन द लाइन्स बिकॉज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। सो सेकेंड पॉइंट, सो सेकंड सब सेक्शन अगर आप देखोगे उसका पहला पॉइंट द स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस इन रिलेशन टू द आर्टिकल ऑफ फूड। सो ये सेकंड फंक्शन है। पहला फंक्शन हमने देखा मॉनिटर एंड रेगुलेशन। सो सेकंड फंक्शन है टू सेट अप द स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस इन रिलेशन टू आर्टिकल ऑफ फूड एंड स्पेसिफाइन एप्रोप्रिएट सिस्टम फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ वेरियस स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर दिस एक्ट। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, एज यू ऑल नो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड इस बॉडी के नेम में भी सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो कि है डेफिनेशंस के अंदर है। सो यहाँ पे फूड अथॉरिटी का मेजर काम ये भी है कि उसको स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस प्रिपेयर करना फॉर एनी आर्टिकल ऑफ फूड एंड ऑल्सो स्पेसिफाई एन अप्रोप्रिएट सिस्टम फॉर एनफोर्सिंग मीन्स उन स्टैंडर्ड्स को कैसे एनफोर्स करवाना। फॉर एग्जाम्पल फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, दीज आर दी एनफोर्सर्स, देन डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं, DO है, ये एनफोर्समेंट एजेंसी में आते हैं, देन कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। सो दीज ऑल आर दी एनफोर्समेंट सिस्टम्स विच फूड अथॉरिटी हैज इन इट्स हैंड। सो सेकेंड पॉइंट, द लिमिट्स फॉर द यूज ऑफ। सो यहाँ पे फूड अथॉरिटी लिमिट भी सेटअप करती है कि फूड में कितना फूड एडिटिव्स यूज करना है, कितना क्रॉप में कॉन्टेमिनेंट जो है उसकी क्वांटिटी अलाउड है, लिमिट कितनी अलाउड है, देन पेस्टिसाइड की क्वांटिटी कितनी अलाउड है, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज की, देन रेसिड्यूज ऑफ वेटनरी ड्रग, हैवी मेटल्स, प्रोसेसिंग एड्स, माइकोटॉक्सिन्स, एंटीबायोटिक्स एंड फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस एंड इरेडिएशन ऑफ फूड। सो इन सब की अगर आप देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। सो इन सब की लिमिट जो है ये फूड अथॉरिटी डिसाइड करेगा, राइट? सो प्लीज इन यहाँ पे याद रखिएगा कि किन किन चीज की लिमिट्स यहाँ पे FSSAI या फिर फूड अथॉरिटी अपॉइंट करेगा। सो थर्ड पॉइंट, द मैकेनिज्म एंड गाइडलाइंस फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडीज एंगेज्ड इन सर्टिफिकेशन ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर फूड बिजनेस। सो यहाँ पे आप सबको पता होगा, और इफ अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि फूड अथॉरिटी हैज पावर्स टू नॉमिनेट एनी ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी टू सर्टिफाई द फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द फूड बिजनेस। मींस फॉर एग्जांपल जैसे ऑडिट कंपनीज हैं, सो फूड अथॉरिटी के पास पावर्स हैं कि वो ऑडिट कंपनी को नॉमिनेट कर सकती है कि वो जाए और फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर को इस रूल्स एंड रेगुलेशन और इस एक्ट में मैंडेटरी कहे गए हैं, बताए गए हैं, क्या वो फॉलो कर रहा है, राइट? सो वो जो एजेंसीज जाएंगी उनकी फर्दर जो सर्टिफिकेशन, बिकॉज फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनको भी बॉडीज को भी नॉमिनेट करने से पहले उनको सर्टिफाई करता है क्या वो पर्टिकुलर पैरामीटर्स जो फूड अथॉरिटी को चाहिए क्या वो उनको फॉलो कर रहा है। सो ये जो सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं, ऑडिटिंग एजेंसीज हैं, इनको भी पहले सर्टिफिकेशन दिया जाता है, एक्रेडिटेशन दी जाती है बाय फूड अथॉरिटी, सो डेट वो फर्दर सर्टिफिकेशन दे सके फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को। आई होप इट्स क्लियर। अगर नहीं क्लियर हो तो प्लीज कमेंट करके आप मेरे को पूछ सकते हैं।
सो फोर्थ पॉइंट द प्रोसीजर एंड एनफोर्समेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन रिलेशन टू आर्टिकल ऑफ फूड इम्पोर्टेड टू इंडिया. सो यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स फूड आर्टिकल्स जितने भी इंडिया में इम्पोर्ट किए जाते हैं सो उनकी जो कि है क्वालिटी को कैसे एनफोर्स किया जाए और क्या प्रोसीजर रहेगा उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करने के लिए. सो दीज पैरामीटर्स आर ऑल्सो सेट बाय FSSAI और फूड अथॉरिटी. सो फिफ्थ पॉइंट द प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस फॉर एक्रेडिशन ऑफ लेबोरेटरीज एंड नोटिफिकेशन ऑफ द एक्रेडिटेड लैब. सो यहाँ पे इट वुड ऑल्सो सेटअप द प्रोसीजर क्या प्रोसीजर रहेगा क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए जब किसी भी फूड लेबोरेटरी को एक्रेडिशन सर्टिफिकेट दिया जाता है. और एक्रेडिशन सर्टिफिकेट आप सबको पता होगा कि NABL प्रोवाइड करता है ऑन बिहाफ ऑफ FSSAI, राइट. सो NABL इज नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज. सो ऑल द लैब्स व्हिच आर एक्रेडिटेड बाय NABL एंड सर्टिफाइड बाय FSSAI सो दे कैन कैरी आउट द फूड एनालिसिस सैंपलिंग टेस्ट, राइट. सिक्स्थ पॉइंट द मेथड ऑफ सैंपलिंग एनालिसिस एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग एनफोर्समेंट एजेंसीज. सो मेथड ऑफ सैंपलिंग मीन्स अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर किसी साइट पे जाता है वहां पे उसको सैंपल कलेक्ट करना है तो वो मेथड क्या फॉलो करेगा कैसे वो सैंपलिंग करेगा बिकॉज देयर इज अ पूरा प्रोसीजर है यहाँ पे FSSAI ने दिया कि कैसे सैंपलिंग करनी है. एंड देन एनालिसिस जब वो सैंपल फूड एनालिस्ट के पास जाएगा उसकी कैसे एनालिसिस करी जाएगी उसका एक पूरा प्रोसीजर है स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो भी एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग एनफोर्समेंट अथॉरिटीज. सेवंथ पॉइंट कंडक्ट सर्वे ऑन एनफोर्समेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट इन द कंट्री. सो FSSAI सर्वे भी कंडक्ट करता है क्या इस जो एक्ट में गाइडलाइंस हैं क्या इनकी प्रॉपर एनफोर्समेंट हो रही है क्या फूड बिजनेस ऑपरेटर इनकी एनफोर्समेंट कर रहे हैं अच्छी तरह अपने बिजनेस में. सो ये भी जो है फूड अथॉरिटी की ड्यूटी है सर्वे कंडक्ट करना. एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट फूड लेबलिंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग क्लेम ऑन हेल्थ न्यूट्रिशनल स्पेशल डाइटरी यूज एंड फूड कैटेगरी सिस्टम्स फॉर फूड. सो यहाँ पे लेबलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि क्लॉज है यहाँ पे वो भी फूड अथॉरिटी के अंडर है बिकॉज फूड लेबल्स आपको पता होगा कि फूड बिजनेस ऑपरेटर समटाइम्स दे मेक फेक क्लेम्स कि ये जो फूड है इफ़ यू कंज्यूम दिस फूड इट वुड बी बेटर फॉर योर हेल्थ इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू इज मोर देन अदर फूड्स, राइट. या फिर स्पेशल डाइटरी यूज के लिए जो प्रोडक्ट हैं सो इन सब के लिए लेबलिंग और क्लेम्स के लिए भी जो गाइडलाइंस बनाने की पावर है डेट इज विद द फूड सेफ्टी अथॉरिटी. सो नाइन्थ पॉइंट द मैनर इन विच द प्रोसीजर सब्जेक्ट टू विच रिस्क एनालिसिस रिस्क असेसमेंट रिस्क कम्युनिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट शैल बी टेकन. सो गाइज रिस्क एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्री के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था रिस्क एनालिसिस पे एज वेल एज रिस्क असेसमेंट पे दो क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर. एंड इसके लिए भी गाइडलाइंस जो प्रिपेयर करनी है दैट ऑल्सो पावर लाइज विद द FSSAI regarding risk analysis, risk assessment, management and communication. So risk assessment, communication, management क्या है हम already ये हमारे course series में cover कर चुके हैं first chapter में we have covered definitions. So अगर आप लोगों ने वो miss कर दिया है तो आप लोग जा सकते हैं video के description में सभी videos के link मैंने डाल दिए हैं video description में so that you do not miss any video. सो यहाँ पे सब सेक्शन फोर्थ की अगर बात करें सो गाइज अगर आपने देखा होगा तो मैंने सब सेक्शन वन सब सेक्शन टू सब सेक्शन थ्री मैंने स्किप किया है बिकॉज थ्री मैं कल की वीडियो में करवाने वाला हूँ डेट इज अ लेंथी उसमें फर्दर फंक्शंस बताए गए हैं. सो डायरेक्टली हम फोर्थ पे आए हैं सब सेक्शन फोर्थ पे द फूड अथॉरिटी शैल मेक इट पब्लिक विदाउट अनड्यू डिले ओपिनियंस ऑफ साइंटिफिक कमेटी एंड साइंटिफिक पैनल इमीडिएटली आफ्टर अडॉप्शन. सो ये ड्यूटी है फूड अथॉरिटी की कि जितने भी साइंटिफिक कमिटी साइंटिफिक पैनल ये क्या है हमने ऑलरेडी कवर किया है सो इनके जो ओपिनियंस हैं राइट सो उसको इमीडिएटली यहाँ पे पब्लिक में फोरम में लाए उनको सो डेट पब्लिक को पता होना चाहिए कि साइंटिफिक कमिटीज एंड पैनल्स क्या डिसीजन ले रहे हैं रिगार्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ फूड. एंड देन बी पॉइंट रिजल्ट्स ऑफ दिस साइंटिफिक स्टडी. सो जितनी भी साइंटिफिक स्टडी FSSAI कंडक्ट करता है सो उसके भी रिजल्ट्स पब्लिक डोमेन में लाना ये जो जॉब है फूड अथॉरिटी का जॉब है. एंड द एनुअल रिपोर्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज. सो एनुअल रिपोर्ट भी आप सबको पता है कि यहाँ पे फूड अथॉरिटी को पब्लिश करनी पड़ती है बाय कमीशन ऑफ फूड सेफ्टी वो पब्लिश करता है ऑन द बिहाफ ऑफ फूड अथॉरिटी, राइट. सो फिफ्थ सब पॉइंट द फूड अथॉरिटी मे फ्रॉम टाइम टू टाइम गिव सच डायरेक्शंस ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड टू द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी हु शैल बी बाउंड बाय डायरेक्शंस व्हाइल एक्सरसाइजिंग हिज पावर्स अंडर दिस एक्ट. सो जितने भी कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी हैं अलग अलग स्टेट में
फूड सेफ्टी कमिश्नर्स हैं, सो उनको कोई भी डायरेक्शंस यहाँ पे फूड अथॉरिटी दे सकती है ओनली इन मैटर्स रिलेटिंग टू फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड दे आर बाउंड बाय इट. मीन्स अगर इन्होंने कोई डिसीजन दे दिया तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी इज बाउंड टू फॉलो दोज डायरेक्शंस. आई होप इट्स क्लियर. सिक्स्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, द फूड अथॉरिटी शैल नॉट डिस्क्लोज और कॉज टू बी डिस्क्लोज टू थर्ड पार्टीज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट इट रिसीव्स फ्रॉम विच कॉन्फिडेंशियल ट्रीटमेंट हैज बीन रिक्वेस्टेड. सो यहाँ पे कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फूड अथॉरिटी यहाँ पे रिलीज नहीं कर सकती, राइट? जिसके लिए कॉन्फिडेंशियल ट्रीटमेंट यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया था उस डॉक्यूमेंट के लिए एक्सेप्ट. सो यहाँ पे अगर आप लास्ट पॉइंट देखोगे तो